सेना भी होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, पता ही बात करवा। आज जो है देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। ये मैं बहुत सोच समझ करके आपका पश्चिम सिंह को मुख्यमंत्री जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर नहीं समझे हम लोग, अगर मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो आगे जो है चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, ऐसा माहौल बन चुका है। चाइना में चुनाव होते हैं, पहले तय हो जाता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, पहले तय होता है, चुनाव बाद में होते हैं। आप सोच सकते हो कैसे चुनाव होंगे, ऐसे लोग हैं फासिस्ट लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं, खाली लोकतंत्र का एक चेहरा पहन करके राम मंदिर के नाम पर के राजभक्त बनने की बात करते हैं, जैसे हम लोग तो राजभक्त है ही नहीं, यहाँ जो बैठे हुए हैं कांग्रेस की मीटिंग में आने वाला राजभक्त नहीं है, खाली बीजेपी की मीटिंग में जाएगा वो राजभक्त है, ये इनकी सोच है। हम सब राजभक्त हैं, हम सब हिंदू भी हैं, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है, कोई ईसाई भी है, इस देश को 76 साल तक एक अखंड रखा है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग भाषाएं अलग बोलियां हैं। इंदिरा गांधी की जान चली गई जिसने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, 90,000 उनके सैनिकों को, कर्नल को, जनरल को अरेस्ट करके उनका हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी फौजों के सामने, याद है आप लोगों को। कुछ इंदिरा गांधी का भी नाम लेते हैं, मोदी जी एक महान नेता हुई थी जिसकी जान चली गई, खालिस्तान ही बने दिया उसने, पंजाब अलग होना चाहता था हमसे, अलग नहीं होने दिया, और आज मोदी जी हमारी सैनिक कार्रवाई के पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है। हम तो सलाम करते हैं बहादुर सैनिकों को, चाहे एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी को, जान को हथेली में रख करके शरण भर्ती होते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, हमें गर्व इस बात का है। दुख इस बात का होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर सीमा की रक्षा करने के जो लोग हैं उनके नाम पर उनके पीछे छिप करके आप वापस प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, जनता को गुमराह करके, ये होने वाला नहीं, जनता समझ चुकी है आपके आसपास।